चंडीगढ़ में एक कोठी पर हुए ग्रेनेड हमले को लेकर एनआईए ने भी जांच शुरू की। कोठी पर ऑटो के जरिए ग्रेनेड फेंका गया था, जिसका सीसीटीवी भी आया सामने। चंडीगढ़ ब्लास्ट मामले में अलग अलग एजेंसी का घटनास्थल पर पहुंचना जारी है। चंडीगढ़ पुलिस ने हमलावरों की तस्वीर जारी करके 2 लाख का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लिया। आजिका मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर पहुंची ईडी की टीम रेड करने। ईडी की एक टीम कोलकाता के चिनार पार्क स्थित आवास पर पहुंची। कोलकाता केस को लेकर जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। बातचीत के लिए डॉक्टरों की नई शर्तों के बाद मुख्य सचिव ने चर्चा के लिए 12 से 15 लोगों के नवन्ना आने पर सहमति जताई। डॉक्टरों ने मीटिंग में सीएम की मौजूदगी और लाइव स्ट्रीमिंग की मांग भी रखी थी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में हरियाणा विधानसभा को भंग करने का फैसला लिया गया। इसका प्रस्ताव राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल से 13 सितंबर को हरियाणा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की गई है। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 6ठी सूची जारी कर दी है। अभी तक 89 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। आपने पंचकुला से प्रेम गर्ग और अंबाला सिटी से केतन शर्मा को टिकट दिया है। पानीपत से ऋतु अरोड़ा और जींद से वजीर सिंह ढांडा को चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि चुनाव के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर दौरे पर रहेंगे और वायुसेना के तरंग शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया समेत 8 देशों एयर चीफ मार्शल भी जोधपुर पहुंचेंगे और तेजस तो सुखोई में उड़ान भरेंगे। राजनाथ सिंह दोपहर 1 बजे भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में सिविल एविएशन पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम विमानन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक खाका अपनाने की घोषणा करेंगे। बता दें कि सिविल एविएशन दूसरा एशिया प्रांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज होने जा रहा है। राव जवानी कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 10 सितंबर को सुनवाई टल गई थी। दरअसल मामले में अपने बयान दर्ज कराने पहुंची एक महिला पहलवान की तबीयत खराब होने की वजह से सुनवाई टल गई थी। बहराइच में भेड़िए का नहीं खत्म हो रहा खौफ। 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बावजूद एक बार फिर से बीती रात भेड़िए ने घर में सो रही बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। इससे पहले भेड़िए के हमले में 2 मासूम बच्चियां घायल हो गई थी। भेड़िए की तलाश में वन विभाग का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मणिपुर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए आज कॉलेज और इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। कांग्रेस सांसद ए बिमोल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हिंसा पर चिंता जताई है। बता दें कि छात्रों के राजभवन तक मार्च के दौरान सुरक्षा बलों से झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण है।